गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जमनी लाल के चैनल JLC हाजीपुर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। यह पावर पॉइंट का दूसरा वीडियो है। ये सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इस पर इफेक्ट्स डाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्लाइड्स को ले सकते हैं। नया स्लाइड इस पर लिखेंगे, जस्ट एक एग्जाम्पल, जमनी लाल कॉलेज हाजीपुर, जमनी लाल कॉलेज हाजीपुर। कंट्रोल एम प्रेस, नया स्लाइड के लिए कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग BCA डिपार्टमेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं तो लिख देंगे, BCA के लिए बनाना चाहते हैं। इसके जो फीचर्स होंगे वो लिख देंगे, इसके जॉब जो ओरिएंटेड जो वर्क होगा वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे आप BCA के गोल और ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे। लिखने के बाद कंट्रोल एम प्रेस कीजिएगा। करने के बाद आप इंसर्ट में जाइएगा, स्मार्ट आर्ट में जाइएगा। स्मार्ट आर्ट में जाने के बाद आप हायरार्की में जाइएगा, यहाँ से आप इसे चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद BCA के अंदर दो तरह के स्टाफ्स होते हैं, एक टीचिंग स्टाफ्स और दूसरे जो होते हैं वो आपके नॉन टीचिंग स्टाफ्स होते हैं। किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में या स्कूल कॉलेज में आजकल PPT सिस्टम से पढ़ाई हो रही है या प्रेजेंटेशंस हो रहा है, सेमिनार वेबिनार ये सब जो भी होती है उसमें भी PPT प्रेजेंटेशंस का बहुत ही अहम रोल है। इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और भी जोड़ना चाहते हैं इस पर ब्राइट माउस बटन क्लिक, ऐड शेप, एड से बिलो, इससे आप इस पर नए नए टेक्स्ट आप जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार नॉन टीचिंग स्टाफ में जोड़ना चाहते हैं राइट माउस बटन क्लिक, एड से बिलो, इससे आप जोड़ सकते हैं। इसमें आपको यदि लिखने की इच्छा है नया स्लाइड के लिए कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से आपका नया स्लाइड आ जाएगा। इसी प्रकार आप इंसर्ट में जाकर इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स आप ले सकते हैं। क्लिक कीजिए। अभी आपका सेमेस्टर 1 का क्लास, सेमेस्टर 2 का क्लास और सेमेस्टर 4 का क्लास रेगुलर हो रहा है। यह कॉलेज छोटा होते हुए भी अपने आप में गागर में सागर भरे हुए हैं। रनिंग सेमेस्टर, इसमें भी आप इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर से फिल करना चाहें वो भी आप आसानी से फिल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स डालना चाहिए, ट्रांजिशन में भी जाकर इफेक्ट डाला जा सकता है और एनिमेशन में भी आप इफेक्ट डाल सकते हो। वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली आप जॉब परफॉर्म कर सकते हो। नया और साउंड डालना है, यहां से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स को भी आप अपने स्लाइड्स पे आप डाल सकते हैं। कंट्रोल एम करेंगे। यदि आप डाटा स्ट्रक्चर या सी प्रोग्रामिंग करते हैं, कभी कभी इच्छा होती है कि अपने प्रोग्राम को यहाँ कोड को यहाँ रख दें,
तो वो भी आप आसानी से आप कोड को डाल सकते हैं। इसके लिए आप साई में जाइएगा, जाने के बाद आप सी में, सी ड्राइव के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्राइव 24 बन सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में। इसमें जाइएगा, डिस्क के अंदर जाइए, टर्बो सी 3 बिन के अंदर कोई भी प्रोग्राम है उसको आप आसानी से कॉपी पेस्ट वहां पर अपने प्रेजेंटेशंस पर कर सकते हैं। यहां से आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, इस पर जाकर कंट्रोल भी, कंट्रोल एम से नया स्लाइड आ गया, इसे आप हटा दीजिए डिलीट से। यहां हम जाएंगे और प्रोग्राम के रिमेनिंग पार्ट्स को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, यहां जाकर उसे पेस्ट कर देंगे। इसे थोड़ा अलाइनमेंट को सुधार लेंगे कि देखने में अच्छा लगे। पावर पॉइंट में थोड़ा टाइम देकर जो भी स्लाइड्स होंगे उसे आसानी से टाइम देकर आप बहुत खूबसूरती के साथ आप स्लाइड्स को बना सकते हैं और स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। कंट्रोल भी से इसको पेस्ट कर दिए उसके प्रोग्राम के लास्ट पार्ट्स को। और अपने स्लाइड्स को आप ब्लॉगर पर भी डाल सकते हैं अगर हम चाहते हैं स्लाइड्स के कलर को चेंज करना। डिजाइन में जाएंगे, यहां से इसको चेंज करेंगे, हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी स्लाइड का कलर चेंज हो। राइट बटन क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, सिर्फ इसी स्लाइड का कलर चेंज हुआ, नहीं तो सारे स्लाइड्स का कलर चेंज हो जाता। इस तरह दूसरा चेंज करके दिखाते हैं, इस पर क्लिक, राइट बटन क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, इससे आप एक पर्टिकुलर स्लाइड्स का या जिस स्लाइड का आप कलर चेंज करना चाहते हैं उस स्लाइड्स का आप कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसे हम लोग स्लाइड के नाम से जानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग स्लाइड्स बनाएंगे और उसके लिए हम लोग जॉब्स को परफॉर्म्स करेंगे। आने वाले वीडियो में पावर पॉइंट के और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स को देखेंगे और जानेंगे कि पावर पॉइंट्स किस प्रकार से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है किसी भी चीज़ के प्रेजेंटेशन के लिए और उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं और उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यही बात कहेंगे कि आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यह आपका प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा उतना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।